हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शोरूम मेरा नया बाइक का डिलीवरी लेने। सो ये बाइक कौन सा, ये सीक्रेट रहेगा कि हम लोग वहाँ पर जाके बाइक देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, मुझे बाइक लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं किस तरह का बाइक लूँ, रेसिंग बाइक या फिर जो नॉर्मल बाइक होता है, फैमिली बाइक, उस तरह का बाइक। लेने से पहले एक चीज़ कॉमन होती है कि सबको कन्फ्यूजन रहता है कौन सा गाड़ी लें। ये वैसा कन्फ्यूजन है जो हर इंसान को होता है, कब पता है, जब वो 10th के बाद साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेडेक का होता है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और इसको लेने में इंसान का फट जाता। अरे साले, गाड़ी का प्राइस पता है तुझे? अभी पेट्रोल का कीमत मालूम है तेरे को कि पेट्रोल का कीमत अभी 110 हो चुका है? अरे पता है, फिर भी तो इंसान गाड़ी ले रहे ना। सो मेरा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था, सो मैंने हेल्प लिया है इसका यूट्यूब, जिसने मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। मैंने YouTube से मतलब काफ़ी रिसर्च करके ये बाइक मैंने चूज़ किया है, जो कि आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। और आप लोग कमेंट करके बताना कि जो मैंने बाइक चूज़ किया वो सही है कि नहीं। जल्दी से रेडी हो जाते, उसके बाद जाएंगे शोरूम। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी जल्दी से निकलते हैं बाइक लेने। ओके, मिलते हैं शोरूम में। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं शोरूम गाड़ी लेने। चलिए देखते हैं, जाते हैं और देखते हैं गाड़ी मिला कि नहीं। सो गाइज, हम लोग लेने वाले हैं होंडा शाइन एसपी 125 और अभी इसका सारा पार्ट चेक वगैरह हो चुका है और अभी हम लोग इस गाड़ी को नीचे ले जाएंगे। सो गाइस, गाड़ी का डिलीवरी लेने से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी गाड़ी को मतलब देख लिया था, मैं और पापा ने जाके गाड़ी देख लिया था और मुझे हेल्प किया था बनी ने जो गाड़ी को चूज़ करने के लिए। ये मतलब ये काफ़ी सही डिसीजन देता है और इसका डिसीजन हमेशा मुझे राइट लगता है यार। थैंक यू बनी। सो गाइस, वहाँ से गाड़ी लेने के बाद हम लोगों को एक स्क्रैच कार्ड दिया गया था और हम लोगों को जो पूरा बंडल है उसने मतलब वहाँ पर जो मैडम थी उन्होंने वो सारा स्क्रैच कार्ड मुझे दे दिया और मैंने ढूंढ के नंबर 7 चूज़ किया, क्योंकि 7 पता नहीं बट 7 मेरा फेवरेट नंबर है और 7 थोड़ा लकी भी है। मैंने सोचा कि कहीं टीवी और फ्रिज वगैरह निकल गया तो दिवाली पर डबल बोनस हो जाएगा, और मैंने नंबर 7 चूज़ किया। लेकिन एट द एंड मुझे डिनर सेट मिला, तो यार क्या बोले, अच्छा है। चलो अभी डिनर सेट को हम लोग यहाँ से रिसीव करेंगे और आगे हेलमेट वगैरह लेंगे, उसके बाद घर जाएंगे यार। घर जाके उस गाड़ी का पूजा भी कराना है। तो यहाँ से हम लोगों ने गिफ्ट रिसीव करके जल्दी निकल गए। सो गाइस, गाड़ी का जितने भी पेपर्स वगैरह है पैसा देने के बाद हम लोग घर जा रहे थे और गाड़ी का चाबी ढूंढ रहे थे, लेकिन हम लोगों का जो गाड़ी का चाबी नहीं मिल रहा था। और ये जो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे, ये जो अंकल है चाबी उनके पास रखा था और उन्होंने कहीं रखा था। सो हम लोगों ने चाबी लिया और जो ये वाला भैया है, जो भैया थे वहाँ पर, उसने चाबी के ऊपर एक रिंग लगा दिए जो उनका जो BK मोटर्स का है,
जो आप देख रहे, उसने चाबी के ऊपर एक रिंग लगा दिया और उसके बाद हम लोग चाबी लिए और अभी हेलमेट लेंगे और आके जाएंगे। सो गाइस, गाड़ी का चाबी लेने के बाद जब पापा ने जो गाड़ी का स्टार्ट किया, वो एक ऐसा फीलिंग है यार, मतलब उसको कोई ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि एक ऐसा फीलिंग है जो मतलब जो जिसके जब कोई नया चीज़ खरीदता है ना, जब कोई इंसान मतलब जब कोई लड़का अपना लाइफ में पहला बाइक खरीदता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अच्छा होता है। सो गाइस, हम लोगों को ये वाला जो हेलमेट है आप देख स्क्रीन के ऊपर देख रहे, ये ब्लैक और ब्लू टाइप का एक हेलमेट है। सो हम लोगों ने सोचा कि एक नया वाला हेलमेट लेते, ये थोड़ा अजीब है। सो हम लोगों ने भैया को बोला कि हम लोगों को दूसरा हेलमेट दीजिए, तो भैया ये वाला जो ब्लू कलर का है ये हेलमेट लाए। लेकिन मुझे कंपेयर करके लगा कि जो पहला जो हेलमेट था वो काफ़ी सही था और काफ़ी मतलब डिज़ाइन वगैरह था। सो हम लोगों ने ये जो अभी देख रहे ये ब्लैक, ये कॉम्बिनेशन ठीक था। सो हम लोगों ने ये वाला हेलमेट लेके गाइज आज का वीडियो यहीं तक था और बहुत ही जल्द गाड़ी का फुल रिव्यू वीडियो आ रहा है, जहां पर मैं गाड़ी के बारे में जितना भी स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या अच्छा है, कितना प्राइस लगा, और आप अगर मेरे लोकल में रहते हैं तो आप ये गाड़ी कहां से ले सकते हैं, पूरा मैं फुल उस वीडियो में बताऊँगा। बस आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो में और बहुत ही जल्द आ रहा है गाइस, सो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। सो गाइस, रिसेंटली हम लोग के चैनल पे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, तो मैंने चैनल का नेम थोड़ा चेंज किया है। सो अभी हम लोग का चैनल का नाम ऋतिक घोष ब्लॉग से छोड़ के सिर्फ मिस्टर ऋतिक रखा है मैंने। सो नाम कैसा है आप लोग बता सकते हैं, क्या फिर मैं चेंज करूँ। और भी खत्म हो चुका है, नवंबर में हम लोग का टारगेट कि हम लोगों को 250 तक पहुँचना। सो वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करो यार, ठीक है? तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, कुछ उखाड़ ले यार जिंदगी में, कुछ कर ले हैं। बाय।